सुलीखेड़ा में अध्यापकों और कर्मचारियों ने काली पट्टी लगाकर यूपीएस का किया विरोध। पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आह्वान पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुलीखेड़ा में अध्यापकों और कर्मचारियों ने काले बिल्ले लगाकर सरकार द्वारा पुरानी पेंशन नीति लागू न करने के लिए अपना विरोध प्रकट किया। सरकार ने यूपीएस के नाम पर कर्मचारियों को जो झुंझुना पकड़ा है, यह किसी भी कीमत पर हमें स्वीकार नहीं है, यह कहना है इन कर्मचारियों का। यूपीएस के माध्यम से सरकार अपने पूंजीपतियों को जेबें भर और उन्हें खुश करना चाहती है। अगर सरकार कर्मचारी हित देखती है तो उसे तुरंत पुरानी पेंशन बहाल कर देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों का भला देखते हुए यहाँ उन्होंने बताया कि इसके लिए हिस्सा 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। सरकार द्वारा पहले एनपीएस के गुण गाए जाते थे और अब एनपीएस को बुरी तरह बताकर यूपीएस को लागू कर दिया गया है, जबकि कर्मचारियों की कभी भी यह मांग पूरी नहीं की गई है, जिसमें कर्मचारी यह मांग नहीं करते थे और कर्मचारी केवल और केवल पुरानी पेंशन नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं, जो सरकार को करनी चाहिए। इस दौरान देशराज माजरा सहित अनेक कर्मचारी मौजूद रहे।